परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने आज जयपुर स्थित शासन सचिवालय में टैक्सी यूनियन के सदस्यों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण सामाजिक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। सरकार की मंशा समाज के हर वर्ग को संबल देना है। समाज में हर वर्ग, चाहे वो ऑटो रिक्शा वाला हो, मिनी बस वाला हो, प्राइवेट ऑपरेटर्स हो, सबकी समस्याओं को सुना जाए, क्योंकि कोरोना की इस जंग के बाद लोगों ने मौत से जंग लड़ी है और मौत से जंग के बाद जिंदगी पटरी पर कैसे आए, लोगों की क्या परेशानी है, उन परेशानियों को लेकर सरकार क्या कर सकती है, उन सब समस्याओं को सुनने के लिए हम अलग अलग लोगों को बुला रहे हैं। पहले प्राइवेट बस ऑपरेटर्स को बुलाया था, रोडवेज के कर्मचारी यूनियन के नेताओं को बुलाया, अब ऑटो रिक्शा यूनियन के नेता आज मिलकर गए, सारे संगठन मिलकर गए। ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर वैक्सीनेशन कैंप हमारी करने की तैयारी है, वो जयपुर के सब ऑटो रिक्शा स्टैंडों पर सिंधी कैंप रेलवे स्टेशन पर होंगे, जिससे ऑटो रिक्शा वालों के वैक्सीन लग सके।